अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम चिकन टिक्का, जिसके लिए हमने चिकन ली है 1 kg जितनी। और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स आपसे मैं शेयर करती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ये हैं: 1 चम्मच जितनी लाल मिर्चें, 1 चम्मच जितनी कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच जितना पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच जितना ज़ीरा जिसको हमने कूट लिया है, 1 चम्मच जितना हमारा नमक है, और 1 चम्मच जितनी हमारी हल्दी है, और हमारा गरम मसाला भी पिसा हुआ 1 चम्मच जितना है, और इसमें चाट मसाला, सिरका और फूड कलर और काला नमक भी जाएगा, और दही भी हमारी इसमें जाएगी 1/2 कटोरी जितनी। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें क्या चीज़ें शामिल करने लगे हैं आपको बताने लगी हूँ। ये 2 चम्मच जितना हमारा सिरका है, इसमें हमने फूड कलर मिक्स किया है, ये चला गया। 2 चम्मच जी व्यूअर्स, ये हमने लेग पीस पे भी कट लगाए हुए हैं, इसमें अच्छे से मसाला जो है वो अंदर चला जाता है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं सॉल्ट डालने के बाद। और फिर से एक दफ़ा इसकी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, जितना ज़रूरत होगी उतना डालेंगे ना। अब इसमें जा रहा है हमारा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जितना हमारा चाट मसाला इसमें चला गया। ये जीरा पाउडर चला गया, धनिया पाउडर भी शामिल हो गया, कुटी हुई मिर्चें भी चली गई, वही मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्ट में, वो सारे मसाले अब चले गए, लाल पिसी हुई मिर्चें भी गई, अब हल्दी भी जा रही है, और ये मिक्स गरम मसाला भी हमारा चला गया है। एक चुटकी जितना हमारा जा रहा है काला नमक, इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। जी व्यूअर्स, अब हमारा इसमें योगर्ट शामिल होने लगा है। योगर्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये हमारी गाढ़ी सी योगर्ट जो है वो जाने लगी है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। चलिए, ये हमारे योगर्ट भी चला गया है, अब इसकी मिक्सिंग करनी है। और कितने टाइम के लिए इसको छोड़ना है? जी व्यूअर्स, ये देखें अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है, और अच्छे से अपने हाथों से वॉश करके इसको हमने जो है मसाले की मिक्सिंग की है। और इसको ओवरनाइट के लिए अगर छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम इसको 5 घंटे के लिए रख देंगे, और 5 घंटे तक हमने इसको छोड़ देना। अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो गई है, जितनी देर मसाला लगा रहा है उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें कोई भी बाहर का मसाला हमने शामिल नहीं किया है, सारे मसाले हमारे अपने घर के हैं, और खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है इसकी, इसको ज़रूर आप अपने घर में ट्राई करें। व्यूअर्स, हम इनको रख रहे हैं फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, और जिन्होंने फौरी बनाना होता है वो 1/2 घंटे के लिए बाहर रखें और फिर फ़ौरन से फ्राई कर लें, तो हम इसको रखने लगे हैं। जी व्यूअर्स, हमारी चिकन को 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे स्टीम देने लगे हैं। और ये गरम मसाले हैं, ज़ीरा, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, वो अब हम इस पानी में शामिल कर रहे हैं जिसमें हमने स्टीम देनी है। स्टैंड भी रख दिया है, और पानी जो है वो स्टैंड से नीचे होना चाहिए, ये 4 कप जितना पानी है। चले, सारा गरम मसाला जो था वो चला गया। अच्छा जी, ये आटे वाली छन्नी के ऊपर हमने इस तरह पेपर लगाना है, और फिर इसके ऊपर हमने चिकन रख के स्टीम करनी है। किसी भी आप छन्नी से कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, तो हमारे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी। जी व्यूअर्स, सारी चिकन जो है वो इस छन्नी में आ चुकी है, इसको करने लगे हम कवर। हमने इसको रख दिया है स्टीम करने के लिए, अब इसको हमने करना अच्छे से कवर, इसका कैप रख के पतीली का।
जी व्यूअर्स, इसे अब हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देनी है और इसकी फ्लेम को हमने दम जितना रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत कम दम जितनी रखना है, 10 टू 15 मिनट्स के लिए। जी व्यूअर्स, हमने इसका कैप हटा लिया है, 15 मिनट्स हो चुके हैं, ये देखें परफेक्ट। जी व्यूअर्स, हमारी चिकन काफ़ी हद तक गल गई है, अब हमने इसको करना है हल्का सा फ्राई, फ्राई होके हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करना इसमें। ये सारी चिकन जो है वो आ गई है। जी व्यूअर्स, अब चिकन को हम पलट रहे हैं, कलर आ गया, कलर भी आ गया है काफ़ी प्यारा सा, ये देखें। जी व्यूअर्स, अब हमने इन चिकन के ऊपर, स्टीम चिकन टिक्के के ऊपर हमने कोयला रख दिया है, अब हम इसे दे रहे हैं इसकी भाप और फिर मैं इससे इसका आपको फाइनल लुक शेयर करती हूँ। जी व्यूअर्स, हमने कैप हटा दिया है, अब हम हटाने लगे हैं कोयले को और अब पेपर, सिल्वर पेपर भी हट रहा है। अब हम अपने स्टीम चिकन टिक्के को फाइनल लुक आपसे शेयर करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से स्टीम चिकन टिक्का रेडी है, इसके साथ नान और दही का रायता और सलाद के साथ हमने इसको सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने घर में भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।